हे गाइस, वेलकम बैक टू फिजिक्स फैंटम। माय नेम इज मनीषा और आज मैं आपको हाइड्रोजन के बारे में बताऊंगी। हाइड्रोजन एक गैस है, एटॉमिक नंबर इसका 1 है, पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले नंबर पे आता है। इसके अलावा कुछ और बातें मैं आपको बताऊंगी हाइड्रोजन के बारे में। सो हाइड्रोजन क्या है, एच से इसको डिनोट करते हैं। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 1 है। और इसमें जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, सिंगल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है इसका क्या है, 1 है। जब आप इसको KLMN शेल्स में डिवाइड करते हैं, KLMN में इस तरीके से जो इसका डिवीजन हुआ KLMN में, तो यहाँ पे क्या आया, 1। और K में कितने आ सकते हैं, 2। तो इसे एक और की जरूरत होती है, तो अनदर हाइड्रोजन एटम को लेके हम एक उसका इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देते हैं, बॉन्ड, जो कि कैसा होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। अब ये क्या है, लाइटेस्ट एलिमेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन का, ये क्या है, कलरलेस है, ऑडरलेस है, नॉन टॉक्सिक है और हाईली कंबस्टाइल है। ना इसका कोई कलर होता है, ना इसकी कोई स्मेल या फ्रेग्रेंस होती है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है हाइड्रोजन का, यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ना आप कुछ पढ़ते हैं ना, तो उसके यूजेस आपको पक्का पता होने चाहिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके जो यूजेस है वो क्या है, ये देखिए, इसका जो फर्स्ट यूज है वो क्या है, ऑयल रिफाइनिंग में इसको यूज किया जाता है एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स बनाने में या फिर ऑयल रिफाइनिंग में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा जो हाइड्रोजन का यूज है वो क्या है, कैन बी यूज इन द फ्यूल सेल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसका फ्यूल सेल में इसका यूज किया जाता है किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, पावर या फिर हीट, तीनों एक ही टर्म्स हैं। बस थोड़ा सा सेपरेट इसको लिखा हुआ है क्योंकि इसका मीनिंग थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है, बाकी कहना सेंटेंस एक ही चीज चाहता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, लाइटेस्ट एलिमेंट है, कलरलेस है, ऑडरलेस है, ना कोई टेस्ट होता है, ना कोई स्मेल होती है इसकी। ओके, कुछ हाइड्रोजन से रिलेटेड पॉइंट्स है, सिंगल बॉन्ड इसमें बनता है। और इसके अलावा मैंने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इन पॉइंट्स के अलावा जो मैंने पॉइंट्स बोर्ड पे लिखे हैं, अगर इन पॉइंट्स के अलावा आपको हाइड्रोजन के बारे में कुछ और पता है तो मुझे कमेंट करिए। और इन सब के अलावा आपको KLMN शेल्स में इसका डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए। ये जो मैंने हाइड्रोजन करवाया है, ये करवाने की वजह ये है कि जो आपका क्लास 10th का चैप्टर 4th है, कार्बन एंड कंपाउंड, उसमें ये बॉन्ड्स गिवन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो उसमें बहुत कम अमाउंट उसमें गिवन है। मैंने उसके अलावा कुछ एडिशनल पॉइंट्स इसमें ऐड करे हैं जिसके लिए मैंने इसको सेपरेटली करवाया है, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये बहुत ही छोटी सी वीडियो थी, तो इसको पूरा देखिएगा और लाइक करिएगा वीडियो को। और अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस देखनी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड थैंक यू सो मच इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए, इतना मोटिवेट करने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन बस एक छोटे से रिक्वेस्ट है कि चाहे कितने भी व्यूज आते हैं, जितने भी लोग आप देखते हैं ना, तो आप प्लीज कमेंट किया कीजिए आपको वीडियो कैसी लगती है, क्या चीज मुझे इम्प्रूव करने की जरूरत है, क्या मैं बहुत फास्ट बोल देती हूँ, मतलब कुछ भी आपको लगता है ना, तो प्लीज उसको कमेंट करिए, ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियोस जो मैं बनाऊ ना, उनमें उस चीज को मैं ओवरकम करके और दी बेस्ट दूं मैं अपना। थैंक यू सो मच, थैंक यू।